मारे को समा जड़ा चाहे जितना घने सारे लोग जाएंगे ना उतना घना सारा समय भी तो लगेगा। मारे पे विश्वास करो, मैं शीघ्र जाऊंगा और मांडने को शीघ्र लेकर आऊंगा। हाँ उचित कह रहे हैं। किंतु आपको कैसे पता चलेगा कि वो दोनों गए कहाँ हैं? अरे लोगों ने पूछ तो जाऊंगा ना, एक नहीं तो चिंता ना करो। राम राम सा। आ, आ, आ। मैं आ रहा हूँ राधे, आ रहा हूँ तुम्हें आगे की कहानी सुनाने, आ रहा हूँ काल देवता को सही पाठ पढ़ाने, आ रहा हूँ तुम्हें तुम्हारा उपहार दे। जाओ पूरी मथुरा में उत्सव की घोषणा कर दो, महाबली कंस का काल स्वयं काल चक्र में फंसने जा रहा है। मूर्ख कंस, ये तूने किसे मेरे कालचक्र में भेज दिया है? कौन है ये कन्या जो मुझसे साक्षात काल से भी भयभीत नहीं हो रही है? ये कैसे संभव है? ऐसे व्यक्ति को मेरे काल चक्र में भेजकर तूने मेरा घोर अपमान किया है। इसके पश्चात कभी मुझे जागृत करने का दुस्साहस मत करना कंस, अन्यथा तुम्हें ऐसे काल चक्र में फंसा दूंगा कि कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। कैसे संभव है? कैसे? निर्भवति भारत अभ्युत्थानं मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब मैं अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करूंगा, मैं भी देखता हूं यह कन्या भयभीत कैसे नहीं होती। जिनमें प्रेम होता है उन्हें काल का कोई भय नहीं होता, क्योंकि यदि काल विष है तो प्रेम अमृत है। आश्चर्य है, पहले यह बालिका और अब यह बालक दोनों ही इतने निर्भीक हैं। यह भी बिना किसी भय के इस काल चक्र में चला आया, और ये मुझसे बातें कैसे कर पा रहा है? क्योंकि मैं ही समय हूं और मैं ही काल, जिसे अहंकार में आकर तुम भयभीत करने का प्रयास कर रहे वो केवल समय ही नहीं, इस संसार का आधार है, वो प्रेम की देवी राधा है। राधा है, राधा है। राधा? यदि वो राधा रानी है तो आप जगत पिता नारायण श्री कृष्ण हुए।
हे नारायण मुझे क्षमा कर दीजिए, अहंकार में आकर मुझसे भारी भूल हो गई। इस काल चक्र का अंत कर दो। यदि प्रेम की देवी क्रोधित हो गई तो संभव है काल का अंत हो जाए। नहीं नहीं नारायण, जैसा आप चाहेंगे अब वैसा ही होगा। जैसे ही आप इस काल चक्र से बाहर निकलेंगे ये स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। अब आज्ञा दी प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास था कृष्ण कि तुम आओगे। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनाने के लिए ये जगह सबसे उपयुक्त है, तो चलो सुनाओ। वैसे तुम्हारी ओर से तो यही उपहार है ना मेरे लिए, और कोई उपहार तो तुम लाए नहीं हो। हाँ, वैसे सच्ची बात है, मेरे पास इस कहानी को सुनाने के अतिरिक्त और कोई उपहार तो है ही नहीं। ठीक है, वैसे ये भी पर्याप्त है, इससे अधिक क्या दो। अच्छा, ये तो सच में मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाया।